हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत में कृषि श्रमिकों की जो विशेषताएं उनके बारे में, विशेषता क्या क्या हैं भारत के कृषि श्रमिकों की, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी लोग लेबर काम कर रही हैं उनकी जो जो क्या क्या विशेषताएं उनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प मिल सके। तो अगर आपको किसी भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो फर्स्ट हमारा है इसका पॉइंट, इसकी विशेषताओं का, कृषि श्रमिकों की असंगठित होती है ये भारत में। कृषि श्रमिक पूर्ण रूप से असंगठित है, उसका कोई भी मजदूर संघ नहीं है। तो असंगठित होती है मतलब इसमें जो है ना संगठन नहीं होता, ये एक तरह से असंगठित होती है कि मतलब इसमें कोई ग्रुप नहीं होता, अलग अलग मजदूर होते हैं। कम मजदूरी दी जाती है भारत में कृषि श्रमिकों को, मुख्य विशेषता उनकी कम मजदूरी दर है। सामान्य पिछड़े राज्यों में मजदूरी दर बहुत ही कम है, इसका अर्थ है कि श्रम की पूर्ति उसकी मांग से अधिक है। कम मजदूरी दर होने के कारण भी ये भी इसकी विशेषता है कि कम मजदूरी पर ज़्यादा हम श्रमिकों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका वो है कि मांग पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है, तो इसकी वजह से कम मजदूरी पर लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। निम्न सामाजिक स्तर, भारत में अधिकतर कृषि श्रमिक निम्न जातीय, दलित और जनजाति पिछड़े वर्गों से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अपेक्षाओं को सहन करना पड़ता है। निम्न सामाजिक स्तर जो इनका जो रहने सहने का जो लेवल है वो भी बहुत छोटा है। भारत में अधिकतर कृषि श्रमिक जो होते हैं जातियों, दलितों, जनजातियों, ठीक है ना, पिछड़े वर्गों से जुड़े होते हैं, इसलिए जो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती तो वो निम्न लेवल से आते हैं, ठीक है ना। अकुशल भारत में कृषि श्रमिक अधिकतर अकुशल श्रमिक होते हैं, उसमें मतलब जो लोगों को इतने वो नहीं पता होते मतलब काम करने का तौर तरीके, तो अकुशल श्रमिक पाए जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट है प्रवासी और अनियमित, भारत में कृषि श्रमिक चरित्र से ही प्रवासी, इसलिए इनकी मांग केवल फसल काटने और बोने के समय में बढ़ जाती है। प्रवासी और अनियमित होते हैं, तो मतलब ये जब मतलब टाइम मतलब जब वो होता है इनका काम पड़ता है श्रमिकों का, तभी इनको यूज़ किया जाता है जब भी इनकी डिमांड बढ़ती है, बाकी अदरवाइज इनकी डिमांड नहीं होती, तो ये प्रवासी होते हैं। तो गाइज़, यही मेरी आज की वीडियो, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फुल सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें ताकि मेरे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।